मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के संतोष ग्राउंड में खड़े एक ऑटो रिक्शा में अचानक आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस घटना में एक रिक्शा जल गया है और पास में खड़े दो अन्य चार पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आग की चपेट में भी आ गए थे। आग तड़के करीब 3:30 बजे के वक्त अचानक रिक्शे में लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की और आग पर काबू भी पा लिया है। हालांकि रिक्शे में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस आग की घटना में कोई जान की नुकसान नहीं हुई है।